इंडिया आती है, आए नहीं आती है, नहीं आए, लेकिन श्रीलंका को बुला लो भाई, फिर कभी भी इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा जिंदगी में भाई, हमें नहीं चाहिए। ये जो पैसे कमा रहे हैं ना, हर कोई इवेंट करा के इंडिया पाकिस्तान का मैच करा के इंडिया पाकिस्तान का, वो भाई नहीं चाहिए हमें, हम नहीं खेलेंगे फिर। ऑस्ट्रेलिया नहीं मानती है, बांग्लादेश नहीं मानती, अफगानिस्तान, हम बोलते हैं आप लोग करवा लो बीसीसीआई को, आईसीसी को, हम लोग नहीं आ रहे। ये मर्दानगी वाली बात करो यार, आप लोगों ने हमको जलील करके रख दिया है। पीसीबी से मेरी गुजारिश है कि हम लोगों को जलील नहीं करे, हर जगह पीसीबी हम लोगों को जलील करने में लगी हुई। अगर पीसीबी ने आपके इंडिया की मानी या आईसीसी की मानी या बीसीसीआई की मानी, तो मैं क्रिकेट देखना छोड़ दूंगा और पाकिस्तान वाले भी छोड़ देंगे। यार हमें क्या जलील समझा हुआ है, हम इंडिया जाके मैच खेलने चले जाएंगे लेकिन ये लोग आते नहीं है। यार हम लोग पागल है, हमारे अंदर क्रेज नहीं है कि इंडिया आती है, आए नहीं आती है, नहीं आए, लेकिन श्रीलंका को बुला लो भाई, हमें इंडिया। अगर भाई मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर वो बोलते हैं सब ऑस्ट्रेलिया नहीं मानती है, बांग्लादेश नहीं मानती है, अफगानिस्तान, हम बोलते हैं आप लोग करवा लो बीसीसीआई को, आईसीसी को, हम लोग नहीं आ रहे। ये मर्दानगी वाली बात करो यार, आप लोगों ने हमको सहील करके रख दिया है। बाकी भाई क्या बोलो यार, मोहसिन नकवी साहब मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जो आप जैसा बंदा जो है ना, यही काम करता है मेच्योर, और ऊपर से भाई ऐसा बंदा, भरमबाज बंदा जो कि हर चीज बनवा सकता है। आपसे ये गुजारिश है, इस बार हमारी इज्जत रखें, इंडिया नहीं आता, नहीं आए, बाढ़ में जाए, इंडिया हमें चाहिए ही नहीं भाई इवेंट में। और अगर ऐसा होता है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, फिर कभी भी इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा जिंदगी में भाई, हमें नहीं चाहिए। ये जो पैसे कमा रहे हैं ना, हर कोई इवेंट करा के इंडिया पाकिस्तान का मैच करा के इंडिया पाकिस्तान का, वो भाई नहीं चाहिए हमें, हम नहीं खेलेंगे फिर। हमें भी गैरतमंद बनना चाहिए मोहसिन नकवी साहब, जैसे इंडिया अपनी गैरत दिखाता है, आप आ जाओ फिर हम आ जाएंगे। अबे ये चोरी होता है भाई, अब आओ ना, अब पट रही है उनकी आने में। अबे भाई जब हम स्टेडियम भी बनवा रहे हैं, सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं तुम लोगों, फिर तुम लोग क्यों लोगों को समझा रहे हो कि भाई तुम भी नहीं जाओ, तुम भी नहीं जाओ। अफगानिस्तान को बोले बेटा तुम भी नहीं जाना, हम तुम्हारे बाप है, हमारी बात सुनो। अबे क्यों सुनो यार, तुम लोगों ने हद कर दी है यार, अजीब। मोहसिन नकवी साहब अब आप जो है ना झुकिएगा मत, अगर ऐसा होता है कि ये टीम नहीं आ रही, ये टीम नहीं आ रही, ये टीम नहीं आ रही, तो भाई आप एक काम करें, आप उनको बोले आप कराओ इवेंट, हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, हम नहीं आएंगे भाई। तो सलमान भाई आप नहीं खेलने ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें हमें झुकना पड़े, सीधी बात है हम बाहर नहीं जाएंगे अब खेलने किसी भी टीम से, हम पागल है। हमारे कंट्री में जो है, हमारे ही कंट्री में जो एक इवेंट हो रहा है और हमारे ही प्लेयर जो है बाहर फ्राइडे लेके जा रहे हैं, उनसे एक टीम से मैच खेलने यार। अब इंडिया को देखा, देखिए आपने देखा, अब अफगानिस्तान लाइन में आ गया, ऑस्ट्रेलिया लाइन में आ रहा है, मतलब यार बांग्लादेश लाइन में आ रहा है यार, आप सोचो यार कौन कौन सी टीम है यार, पूछता नहीं है वो टीम है हमारे खिलाफ खड़ा है यार। मतलब यार आप लोगों को शर्म आनी चाहिए यार, अफगानिस्तान वालों को तो सच में शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाए। आपके प्लेयर्स अभी बोलते हैं कि आप इनके साथ पाकिस्तान के साथ गद्दारियां कर रहे हो, हम लोग यहाँ से क्रिकेट सीखे हैं, क्यों डूब के मर जाए यार। अभी बीसीसीआई और पीसीबी, आप लोग जो है बीसीसीआई वालों को मैं ये बोलूंगा कि आप लोग प्लीज थोड़ी सी आप लोग की शर्म दिखाओ, आ जाओ, हम आपके एक कहने पे आए कि हम लोग चाह रहे हैं, क्यों क्योंकि हम लोग चाहते हैं क्रिकेट हो ताकि हालात सही हो, एशिया ऊपर आए, अभी जैसे यूरोप वगैरह ऊपर चल रहे हैं ना, आप लोगों को पागल बना के वो लोग ऊपर चल रहे हैं भाई, एशिया को ऊपर लेकर आओ, अपने अंदर इत्तेहाद लाओ यार। ये नहीं सोचो कि वो गरीब है, ये गरीब है, आप लोग आपस में भी नहीं करते कि वो शहर गरीब है तो उसको नहीं पूछो भाई, ऐसा नहीं करें यार। मोहसिन नकवी साहब आपसे हाथ जोड़ के मिलती है भाई, इस दफा झुकना नहीं यार, खुदा का वास्ता इस दफा नहीं चाहिए हमें। तो भाई साहब ना उसामा क्या बोलेगा यार, बस यार मैं बड़ा दिल दुखा हुआ है कि यार मैं करूं तो करूं, मैं कहां, मैं किसको देखूं यार, मैं जैसे मोबाइल उठाता हूं भाई इंडिया यही चल रहा है, यही चल रहा है। अफगानिस्तान को शर्म आनी चाहिए, अफगानिस्तान किस मुंह से बोल रहा है, बांग्लादेश, अबे बांग्लादेश को छोड़ो, ये तो प्रोपेगेंडा है भाई, आप किस मुंह से ये सिर्फ इंडिया करवा रही है भाई, ये सिर्फ इंडिया करवा रही है, लेकिन मैं यही बोलूंगा आप लिख के रखो, इंडिया जरूर आएगा पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेलने जरूर आएगा। तो भाई आप लोगों ने देखा, इन लोगों ने बताया जिस तरीके का, लेकिन मेरे को भी ऐसा लगता है कि भाई इंडिया जो है सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ इंडिया वालों का ही हाथ है, जिस तरीके वो लोग चला रहे हैं सबको, भड़का रहे हैं, मेरी मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी क्या है इसके पीछे का, लेकिन ये है कि अभी 20 जुलाई को इनका बीसीसीआई और पीसीबी की जो मीटिंग होने वाली है उसके अंदर डिसाइड होगा कि भाई श्रीलंका में हो रही हो मीटिंग, उसमें डिसाइड होगा कि भाई क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा, अभी देखते हैं कि हमारे हक में आया तो ज्यादा बेहतर है। जो बंदे चाहते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में चाहिए, उसका हैशटैग चलाएं, आप लोग नीचे कमेंट करें, पाकिस्तान है इंडिया, चाहते हैं बहुत सारे इंडियन हैं ऐसे, बस आप लोग बोले, क्योंकि हमारे पास लाइव में भी काफी लोग ऐसे आते हैं जो वाकई लिटरली क्रिकेट के फैन है, वो सियासत के फैन नहीं है, क्रिकेट के फैन है। और भाई बहुत सारे लोग, आप सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करो, आप ये मत देखो कि कौन पाकिस्तानी है कौन इंडियन है, आप सिर्फ क्रिकेट से लव करो और क्रिकेट पे ही बात करो। अब आप इंडिया और पाकिस्तान के बहुत सारे इख्तलाफात होंगे किसी भी हवाले से, लेकिन क्रिकेट के मामले हम सारे एक ही हैं, और हम हर बंदा चाहता है कि हमारे मुल्क में कंट्री और हम लोग खुद देखने के लिए जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करना, यूट्यूब से देख रहे हो सब्सक्राइब करो, फेसबुक से देख रहे हो फॉलो करो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।